हेलो फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि LIC की क्लब मेंबरशिप पर वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए LIC की सबसे पहली या कहें शुरुआती क्लब मेंबरशिप BM क्लब मेंबरशिप ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबरशिप के बारे में बताऊंगी। किसी भी क्लब मेंबरशिप को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि LIC में कितनी क्लब मेंबरशिप होती हैं। क्लब मेंबरशिप होती हैं क्या है LIC में? बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई तरह की मेंबरशिप होती हैं जिनको एजेंट पॉलिसी को करके अचीव करता है। जितना ज़्यादा आप बिजनेस करेंगे यानी जितना ज़्यादा आप पॉलिसीज होंगी आपकी, उतनी ही बड़ी आपकी क्लब मेंबरशिप होगी। और हर क्लब मेंबरशिप के कुछ खास फायदे हैं जो एजेंट को मिलते हैं। साथ ही साथ क्लब मेंबरशिप अचीव करने से एजेंट का LIC ब्रांच में समाज में रुतबा भी बढ़ता है। फ्रेंड्स, अभिकर्ता के लिए क्लब सदस्य बनना एक प्रतिष्ठित और गर्व की बात होती है। इससे उसे अनेकों लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसे पाने के लिए उसे लक्ष्य बनाकर आवश्यक शर्तें 3 साल लगातार पूरी करनी होती है। किसी भी क्लब के सदस्य बनने के लिए आपको या तो सभी आवश्यक शर्तें लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर तक पूरा करना होगा, साथ ही आपकी पॉलिसियां बंद होने का प्रतिशत भी 15% से कम होना चाहिए। यदि आपका लैप्सेशन प्रतिशत किसी भी साल 15 से अधिक है तो आप किसी भी क्लब मेंबरशिप में मेंबर नहीं बन सकते हैं। आप नए बीमे करके या अपनी बंद पड़ी पॉलिसियों को फिर से स्टार्ट करके लैप्स होने का प्रतिशत कम कर सकते हैं। LIC में मुख्यतः 4 क्लब मेंबरशिप होते हैं। सबसे पहला होता है BM क्लब, शाखा प्रबंधक क्लब BM क्लब जिसे कहा जाता है। दूसरा है मंडल प्रबंधक क्लब जिसमें DM क्लब कहा जाता है। नेक्स्ट होता है नंबर 3 क्षेत्रीय क्लब ZM क्लब और नंबर 4 चेयरमैन क्लब CM क्लब। इसके अलावा 1999 से विशिष्ट अभिकर्ता क्लब यानी डिस्टिंग्विश्ड एजेंट क्लब भी शाखा स्तर पर बनाया गया है। इसी प्रकार 2004 से 5 से कॉरपोरेट क्लब और 2015-16 से गैलेक्सी क्लब भी प्रारंभ किया गया है, जो एक अति विशिष्ट क्लब है। किसी भी क्लब मेंबर को अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लब मेंबरशिप हमेशा इस साल 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक के समय को लेकर काउंट की जाती है। जैसे कि इस साल यह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ली जाएगी। BM क्लब मेंबरशिप के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, यह नए एजेंट के लिए और एक पुराने एजेंट के लिए। नए एजेंट को लगातार 3 साल हर साल 50 लाइव करनी होती है। यहाँ मैं पॉलिसीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लाइव की बात कर रही हूँ। अगर आपने एक ही इंसान की 2 पॉलिसी कर रखी है तो पॉलिसी तो 2 की गई है मगर लाइफ 1 ही कवर हुई है, मतलब आपको 50 नए लोगों के बीमे करने हैं। साथ ही साथ आपका फर्स्ट ईयर कमीशन 90,000 से अधिक होना चाहिए और यह काम आपको लगातार 3 साल तक करना है। अगर यह काम आप 3 साल तक लगातार करते हैं तो 4th वर्ष आपको ब्रांच मैनेजर क्लब के सदस्य बन सकते हैं। अब बात करते हैं पुराने एजेंट की। पुराने एजेंट को हर साल 15 लाइव्स लगातार 3 सालों तक करनी होती है। साथ ही साथ आपकी कम से कम 150 लाइव इन फोर्स होनी चाहिए और इन 3 वर्षों में आपका फर्स्ट ईयर कमीशन कम से कम 37,000 और रिन्यूअल कमीशन कम से कम 53,000 होना चाहिए, यानी टोटल कमीशन कम से कम 90,000 होना चाहिए और यह काम आपको लगातार 3 साल तक करना है। अगर यह काम आप लगातार 3 साल तक करते हैं तो 4th ईयर आप BM क्लब मेंबरशिप में शामिल हो जाएंगे। यहां आपको ध्यान रखना है कि आपका लैप्सेशन किसी भी साल 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह लैप्सेशन आप पुरानी पॉलिसीज को रिन्यूअल करा के नई पॉलिसीज करके कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट्स की। नंबर 1, ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबरशिप में मेंबर्स को हर साल मोबाइल या टेलीफोन बिल्स के लिए 1,800 रुपये मिलते हैं। दूसरा है लेटर हेड एनवलप विजिटिंग कार्ड के लिए आपको 300 रुपये, 300 प्लस 100 रुपीज मिलते हैं। बहुत से ऑफिसेज में ये सब आपको प्रिंट करके मिल जाता है, तब आपको इसके पैसे नहीं देने होते हैं। नंबर 3, सेल्स प्रमोशन में गिफ्ट के लिए आपको हर साल 500 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट इज स्टेशनरी आइटम के लिए आपको हर साल 1,000 रुपये मिलते हैं। नेक्स्ट इज अगर आप अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं तो ऑफिस खोलने के लिए आपको ऑफिस इक्विपमेंट लोन भी मिल सकता है, जिससे आप अपना अच्छा सा ऑफिस सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज LIC की तरफ से आपको इंटरेस्ट फ्री 2-व्हीलर लोन भी मिलता है और इस लोन में आपको इसके लास्ट 2 ईयर कमीशन का 70%
ही लोन दिया जाता है। ये लोन आपको इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है और ये लोन आपके फ्यूचर के कमीशन से काट लिया जाता है। नंबर 7, ब्रांच मैनेजर क्लब में मेंबरशिप में आपको हर साल फेस्टिवल एडवांस 15,000 तक का मिलता है, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। आप किसी भी त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा, ईद, होली, दीपावली आदि पर इसे ले सकते हैं। बाद में आप इसे अपने कमीशन से भी कटा सकते हैं। नंबर 8, आपको 55,000 तक का फ्री ग्रुप टर्म इंश्योरेंस 69 साल की उम्र तक मिलता है। नंबर 9, आपको 1,00,000 तक का ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस 85 वर्ष तक की उम्र तक मिलता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे हम जो भी आप बीएम क्लब मेंबरशिप में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं। आई होप आपको वीडियोस पसंद आया हो और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके और डिटेल में अगर आप इसे चाहते हैं बीएम क्लब को, तो हमारी वेबसाइट www.apnainsurancewala.co.in में जाकर आप इन सब के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।